हाय फ्रेंड्स, दोस्तों आज देखिए हम लोगों के गांव में बाढ़ आ गई है। इतना बारिश हुआ है, रात भर आज बारिश हुआ है, फिर दिन भर बारिश हो रहा था, अभी इस समय बंद है। और देखिए हम लोग के गांव में एक पोखरा है और ये एकदम भर चुका है, लोगों के घर तक पानी पहुंच गया है और आप लोग देख सकते हैं। देखिए ये देखिए कैसे पानी आ गया है। यहाँ पे मंदिर है, देखिए ये बजरंगबली का स्थान है, यहाँ पे चारों तरफ पानी लग चुका है। और ये देखिए दुर्गा माता का मंदिर है, अभी इसका निर्माण है, अभी पूरा बना हुआ नहीं है। और ये देखिए उधर जो दिखाई दे रहे हैं शंकर भगवान का मूर्ति है। और इसी के बगल में, इसी के सामने यहाँ पे देखिए पोखरा है बहुत बड़ा, आपको दिखा रहे हैं। हम पानी में चल रहे हैं अभी, ये देखिए पोखरा बहुत ही बड़ा है, नदी की जैसे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए किनारे किनारे सारे गांव के लोग बसे हुए हैं इस पोखरे के, और काफ़ी बड़ा है ये पोखरा और इसमें मछलियां बहुत ज़्यादा हैं। और इसमें हम जहाँ पे यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ भी मछलियाँ आ गई हैं। इस समय तो हम इसमें पैर घुस गए हैं इसलिए मछली नहीं दिखाई दे रही है, नहीं तो आप लोगों को दिखाते। और ये देखिए कहाँ तक पहुँच गया है पानी, आप लोग देख सकते हैं एकदम दीवार के पास पहुँच गया है पानी। तो दोस्तों बारिश इतना ज़्यादा हो रहा है, धान के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जो गरीब बस्ती जो है वो डूबी हुई है। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी है, आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए चलते हैं दोस्तों, आप लोगों को दिखाते हैं कुछ अलग जगह, वहाँ का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है। मस्त आप लोग बगीचे का नज़ारा दिखा रहे हैं, अभी देखिए बजरंगबली का मूर्ति है, करीब से दिखाते हैं आपको, पानी से भरा हुआ है, लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर मूर्ति है। जय बजरंगबली। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये रोड पे पानी लग गया है, पोखरा में इतना ज़्यादा पानी है कि रोड पे पानी आ गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मछली मारा गया है, थोड़ा सा है आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए करीब से दिखा रहे हैं, ये देखिए दोस्तों सिधरी और कौन सा मछली है जी बाबू बताओ जी, और गांव के नाम से जानते हैं इस मछली को सिधरी और डेढ़ोली। और ये देखिए यहीं से पोखरा का पानी जो है निकल रहा है, नाला बनाया गया है। और देखिए यहाँ पे निकल रहा है पानी, बहुत तेजी से निकल रहा है। तो दोस्तों चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं लोग मछली मार रहे हैं, और देखते हैं कौन सी मछलियाँ वहाँ पे मिल रही हैं। बहुत लोग हैं मछली मार रहे हैं चारों तरफ, इतना बारिश हुआ है, चारों तरफ बाढ़ आ गई है। ये देखिए धान है डूबा हुआ है, वैसे बच गया हो जाएगा, अब दो चार दिन बारिश खुल जाएगी तो वैसे ही सब पानी खत्म हो जाएगा। देख कितना अच्छा नज़ारा है, आप लोगों को दिखा दो। देखिए धान है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारे देखिए दोस्तों व्यवस्था बनाया गया है और मछली मारा जा रहा है। ये देखिए हमारा बेटा है मछली मारने के लिए घूम रहा है रोड पे, ये ताल का रोड है, इधर सामने आप ये सारा खेत जो देख रहे हैं सब ताल में है।
और देखिए कितना पानी भरा हुआ है, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं मछलियाँ मार रहे हैं, देखिए इसका नाम है कलुआ। तो दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं सभी लोग मछलियाँ मार रहे हैं। दिखाना बाबू इधर मछली दिखाओ, इधर दिखाओ, इधर वीडियो में हाथ में जो लिए हो हाथ में लिए। देखिए दोस्तों इतना बड़ा बड़ा मछली मार रहे हैं, देखिए छोटा सा बच्चा है मछली लिया हुआ है, इधर देखो वीडियो में रख दो देखिए साथ में रखा हुआ है मछली। ये देखिए मछली आ गई, ये आप लोग देख सकते हैं चाबी धनकुट्टी हर चीज का मशीन है यहाँ पे रखा गया। आप लोगों को दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे मछली मारा जा रहा है, सभी लोग मछली मार रहे हैं। देखिए सभी लोग मछली मार रहे हैं। अरे भाई कितना मछली है यार, ये देखिए दोस्तों सभी लोग मछली मार रहे हैं। अरे भाग के खबर होते हम्म।